गाइस दिस इज योर रोहित और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डेल इंस्पिरॉन सीरीज लैपटॉप्स और डेल के बोस्टो सीरीज लैपटॉप्स में क्या कुछ मेन डिफरेंसेस होते हैं, डेल क्यों डेल इंस्पिरॉन सीरीज की प्राइस कुछ ज्यादा रखती है अपने इस डेल बोस्टो के मुकाबले, तो डेल अपने इस इंस्पिरॉन सीरीज पे क्या वर्क करती है और क्यों इसकी प्राइस ज्यादा होती है। क्योंकि आपको अगर आप कोई लैपटॉप लेते हो डेल बोस्टो का या फिर डेल इंस्पिरॉन का, दोनों में आपको मिलती है इंटेल कोर i3 की 10th जनरेशन प्रोसेसर, आपको उसी मिलती है रैम टाइप 8GB की DDR4 रैम और आपको मिलती है एक सेम स्टोरेज टाइप M.2 PCIe की SSD मिलती है। बट डेल बोस्टो की प्राइस और डेल इंस्पिरॉन की प्राइस पे बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है, तो ऐसा क्यों, आखिर डेल इंस्पिरॉन डेल जो है अपने इंस्पिरॉन सीरीज की लैपटॉप पर इतना प्राइस क्यों रखता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस डेल इंस्पिरॉन सीरीज और डेल के बोस्टो सीरीज में क्या कुछ मेन डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपको इस दोनों ही लैपटॉप में, दोनों ही के सीरीज के लैपटॉप में आपको क्या कुछ मेन डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस डेल इंस्पिरॉन सीरीज की बिल्ड क्वालिटी की और डेल बोस्टो सीरीज की बिल्ड क्वालिटी की, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। जी हाँ, आपको इस डेल बोस्टो सीरीज लैपटॉप जो है इसमें आपको मिलती है एक प्लास्टिक बॉडी। अब पीछे देख पा रहे हैं ये मेरा डेल का बोस्टो लैपटॉप्स और मैं इस पर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप ऊपर आई बटन में वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डेल बोस्टो सीरीज में मिलती है प्लास्टिक बॉडी, बट आपको इस डेल इंस्पिरॉन सीरीज में मिलती है एक मेटल बॉडी। जी मेटल बॉडी मिलती है एक बहुत ही अच्छे फ्लैट और प्लेन डिजाइन के साथ, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रीमियम लगती है और इस पर डेल जो है बहुत ही वर्क करता है अपने इंस्पिरॉन सीरीज पर। यहाँ पर डेल बोस्टो और डेल इंस्पिरॉन में ये बहुत बड़ी मेजर डिफरेंस है और इसकी प्राइस इसलिए यहाँ पर ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पर आपकी मेटल बॉडी है, साथ में इसकी जो वेट है लाइट वेट लैपटॉप होती है। जी हाँ, डेल बोस्टो के मुकाबले डेल इंस्पिरॉन बहुत ही लाइट वेट लैपटॉप होती है। अगर आपके लैपटॉप में सेम स्पेक्स है, सेम चीजें हैं, लेकिन अगर आपकी लेते हो डेल बोस्टो की लैपटॉप तो वो आपकी है 2.5 KG की, लेकिन आप अगर लेते हो डेल इंस्पिरॉन की लैपटॉप वो आपकी मिलने वाली है ओनली 1.6 KG के आसपास की। जी हाँ, इतनी मेजर डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उसकी डिस्प्ले। तो आपको डेल बोस्टो सीरीज में जो मिलती है डिस्प्ले, आप पीछे देख पा रहे हैं इसकी बेजल्स बहुत ही मोटी होती है ऊपर से साइड से, लेकिन डेल अपने इंस्पिरॉन सीरीज पर बहुत ही वर्क करता है और उसकी बेजल्स बहुत ही कम होती है, बहुत ही पतली सी होती है साइड साइड से ऐसे होती है, जिसमें कि अपने आप डिस्प्ले से बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस कर सके। अगर आप वीडियोस देखते हो, अपने कुछ वर्क करते हो, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो अगर आप लंबा वर्क करते हैं, लंबे टाइम के लिए अपना वर्क करना चाहते हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आपके लिए डेल इंस्पिरॉन यहाँ पर सही रहेगा। वैसे डेल बोस्टो की जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो कोई खराब नहीं है, क्वालिटी सेम है, बट उसकी बेजल्स बहुत ही कम होती है और वहाँ पर कुछ प्रीमियम जो होता है ना, प्रीमियम फीलिंग लाती है आपको डेल इंस्पिरॉन सीरीज में। यहाँ पर डेल जो अपने इंस्पिरॉन सीरीज पर बिल्ड क्वालिटी और दूसरी उसकी डिस्प्ले पे बहुत ही वर्क करता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है उसकी बैटरी, उसकी परफॉर्मेंस। तो देखिए परफॉर्मेंस में आपको सेम मिलती है, ऐसे आपको डेल बोस्टो में मिलती है इंटेल कोर i5 की प्रोसेसर, तो सेम प्रोसेसर आपको डेल के इंस्पिरॉन में भी देखने को मिलती है। पर जैसे ही बात आती है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस की, तो आपको डेल बोस्टो में से मिलती है 42 Wh की बैटरी। मान लेते हैं सेम प्राइस, सेम स्पेक्स है, उस बार उसकी बैटरी में कुछ जो अपडेट्स की जाती है, अपडेट्स दी जाती है ताकि आपकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे और आपको बाद में कोई भी ऐसा दिक्कत देखने को नहीं मिले। आपको डेल के इंस्पिरॉन सीरीज में अधिकतर लैपटॉप में 51 Wh की बैटरी देखने को मिलती है और साथ में आपको डेल इंस्पिरॉन सीरीज में सी टाइप केबल मिलती है, जिससे कि आप अपने लैपटॉप को बहुत ही स्पीडली चार्ज कर सकते हो। जी हाँ, आपको इस डेल बोस्टो सीरीज मिलती है पिन चार्ज और आपको इसमें मिलती है इंस्पिरॉन सीरीज मिलती है एक सी टाइप चार्जर, जिससे कि आप अपने लैपटॉप को बहुत ही स्पीडली चार्ज कर सकते हो। और जो आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मैं अब अपने 1000 सब्सक्राइबर से बहुत ही नजदीक हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आने वाले वीडियोस में आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी आती है कि डेल इंस्पिरॉन सीरीज में आपको मिलती है पोर्ट्स। जी हाँ, पोर्ट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, जैसे कि आपको डेल बोस्टो में मिलता है USB 3.1 का, मतलब की होती है जनरेशन टाइप की होती है पोर्ट्स, तो आपको डेल के इंस्पिरॉन सीरीज में मिलती है एक लेटेस्ट टाइप जनरेशन पोर्ट्स, जिससे कि आप अपने डेटा को, अपने किसी भी चीज़ को बहुत ही इजिली ट्रांसफर कर सकते हो। और आपको इस डेल इंस्पिरॉन सीरीज में कुछ एडिशनल केबल्स जैसे कि RJ45 जैक, HDMI पोर्ट्स और भी जो थंडरबोल्ट पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और इसकी ग्राफिक्स कार्ड, मतलब कि आपको डेल बोस्टो सीरीज में बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स हैं जिसमें कि आप ग्राफिक्स कार्ड को अपग्रेड नहीं कर सकते हो, बट आपको डेल इंस्पिरॉन सीरीज में आप में लैपटॉप में जितना चाहे उतना ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड कर सकते हैं। ये सभी फीचर्स आपको, कुछ एडिशनल फीचर्स आपको डेल इंस्पिरॉन सीरीज में देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हो कि आपको इस डेल इंस्पिरॉन सीरीज और डेल के बोस्टो सीरीज लैपटॉप्स में क्या कुछ मेन डिफरेंसेस मिलती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।